नंबर 10 देखिए, कह रहा है दिखाइए कि आयत के विकर्ण उसे समान क्षेत्र वाले चार त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले एक आयत बना लीजिए और इसको सर्वांगसम करके दिखा देना है, ज्यादा कुछ आपको नहीं सोचना है, ठीक है। इसका नाम दीजिए ए बी सी डी, आयत के विकर्ण है ना, यानी कि इसके विकर्ण को मिला दीजिए, ये वाला विकर्ण हो जाएगा, अच्छा दूसरा विकर्ण ऐसे ये वाला हो जाएगा, समझ रहे ना बात को। चलिए अब ये विकर्ण मिल गया तो यहां आपको लिखना होगा दिया है, दिया है एबीसीडी, एबीसीडी एक आयत है, एक आयत है, आयत है और कौन कौन, तो एसी तथा बीडी, एसी तथा बीडी, बीडी विकर्ण है, विकर्ण है जो बिंदुओं पर, बिंदुओं पर एक दूसरे को, अच्छा ये समद्विभाजित करते हैं आपको तो पता है, दूसरे को समद्विभाजित लिख सकते हैं ना, समद्विभाजित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं समद्विभाजित लिखने में, क्योंकि तो समद्विभाजित करता ही है, ठीक है। या आप यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं दिखा दीजिए, यहाँ आप लिखिए सिर्फ प्रतिच्छेद करते हैं, बाद में वो लिख देंगे कि समद्विभाजित करते हैं। चलिए तो प्रतिच्छेद करते हैं, इसको लिख दिया, यहाँ पे दे दीजिए ओ बिंदु, समझ गए। अब चलिए, चलिए इसको प्रमाणित करने के लिए तो आप कई तरीके से प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सर्वांगसम ना करके एक दूसरे तरीके से देखते हैं इसमें, ठीक है, ताकि ये भी आप सीख ले। चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध आपको, कि समान क्षेत्रफल वाले चार त्रिभुजों में विभाजित हो गया, यानी कि इन सबका क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी, अच्छा बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी, समझ गया ना, ये तीनों का चारों का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसका प्रमाण देखिए, आपको ये पता है कि आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, अच्छा समद्विभाजित करते हैं ये आपको पता है, यानी कि आपको यहां लिख सकते हैं कि OA बराबर होगा OC और OB बराबर होगा OD, ये आपको पता है, ठीक है। अब चलिए अगर हम लोग बात करें त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखिएगा ABC में, तो अगर ये इसके बराबर हो रहा है तो यहां कह सकते हैं कि OB माध्यिका होगी, OB यहां माध्यिका होगी ना, तो यहां लिख सकते हैं कि OB त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC की माध्यिका है, माध्यिका है। अभी आपको बताया कि त्रिभुज की माध्यिका क्या करती है, उसे दो बराबर त्रिभुज में बांटती है, यानी कि यहां से आपको यह पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, समझ गए, पहला समीकरण मान लीजिए। उसी तरह हम लोग ये मान लेंगे ये इसकी माध्यिका होगी OC त्रिभुज BCD की, यहां लिखते हैं आगे, लिखेंगे यहां इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या देखेंगे, तो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, ध्यान से देखिए BCD में, इसमें यहां पे OC क्योंकि ये बराबर है ना इसके, तो यहां OC त्रिभुज BCD की, BCD की माध्यिका होगी, माध्यिका है ना, चलिए माध्यिका है, इसलिए आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ठीक है, ये सेकंड समीकरण। इस और फिर दोबारा आप क्या कहेंगे, त्रिभुज इसमें चलते हैं CDA में, CDA में, ठीक है, इसमें आ जाइए, यहां कह सकते हैं कि OD त्रिभुज CDA की माध्यिका है, माध्यिका होगी, उसे दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करेंगे कि नहीं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, ये समीकरण तीन। आप चाहे तो यह कंडीशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की
मादी क्या, त्रिभुज की मादी क्या, त्रिभुज को, त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में, त्रिभुजों में, त्रिभुजों में विभाजित करती है या मारती है, विभाजित करती है। ठीक है, ये आप यहाँ कंडीशन लिख सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। आप यहाँ पे भी आप दिखा दिए कि जब माध्यिका है तो आपको पहले ही बताया कि बराबर हो जाएगी। चलिए तो आप लिखेंगे समीकरण एक दो तथा तीन से, समीकरण एक दो तथा तीन से, या ए ओ बी बी ओ सी के बराबर, बी ओ सी सी ओ डी के बराबर, एल सी ओ डी ए ओ डी के बराबर, यानी चारों आपस में नहीं बराबर हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी और बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, यानी कि ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ गए ना यहां से? चलिए क्वेश्चन नंबर